नमस्कार, मैं हूं आपकी प्यारी लाली और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब के चैनल लाली की थाली में। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ाई काफ़ी हो गई है गरम। अब इसमें डाल दिया है मैंने देसी घी, इसकी जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गरम हो गया, जीरा डाल दिया, जीरा चटक गया, थोड़ी सी डाल दी हींग। अब एक एक करके हम ये चीज़ें डालेंगे। पहले डाला मैंने दालचीनी, फिर डाल दी है प्याज जो कि मैंने बारीक काट के रखी है। इसको अच्छे से भूंजेंगे थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च और जो मैंने ग्रेट करके अदरक और लहसुन रखे थे वो भी मैं इसमें डाल लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी। ये जो दाल है मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी थी हल्दी और नमक डाल के, दो सीटी लगा के, तो ये बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर थोड़े से जल्दी नरम हो जाएं इसलिए मैंने डाल दिया नमक और थोड़ी सी हल्दी, और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। अब यहाँ हम अपने तड़के के मिक्सचर और जो प्लेन दाल मैंने पहले से ही पका के रखी थी इन सबको एक साथ अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि दाल थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसमें ज़रा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए उबालेंगे। 5 मिनट पूरे होने के बाद अब हम देख लेते हैं हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। यहाँ फिर से मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है जिसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और अदरक जो मैंने लंबे लंबे काट के रखे थे, थोड़ी सी धनिया, और अच्छा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। झटपट फटाफट तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube के चैनल लाली की थाली को सब्सक्राइब करिए।